हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी जो हमने दिखाया है आप लोगों को, जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, और बहुत ही ध्यान से देखें। जैसे कि आज का जो वीडियो है, जो दीवार को चेंजिंग के लिए तोड़ा जाता है, तोड़ाई करवाया जाता है, डी तोड़ाई करवाया जाता है, उसका क्या रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है, किस तरह से तोड़ाई किया जाता है, और इस ईंट को जो तोड़ाई में ईंट बचता है उसको किस तरह से फिर से रीयूज कर सकते हैं आप, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि जब भी आप दीवार तोड़ाई करें, कुछ चेंजिंग करना है तो उसके लिए दीवार तोड़ाई होता है तो ईंट तोड़ाई होता है, तो उस ईंट को फिर से आप यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप तोड़ाई करें तो उसको बहुत ही आराम से तोड़ें ताकि ईंट डिसबैलेंस ना हो, ईंट ना टूटे ज़्यादा, और उसको सफाई आप इस तरह से करवा सकते हैं, उस पर से मसाला आप अलग करवा के ईंट साफ करवा सकते हैं, फिर से आप रीयूज करके लगा सकते हैं उस ईंट को जो ईंट आपने दीवार तोड़ाई किया था। जैसे हमने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि ये सारा दीवार लग चुका था, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है तो इसलिए यहाँ से दीवार तोड़ा गया है, और ये दीवार तोड़ कर और जो दीवार तोड़ा है, जो ईंट उसमें से निकला है, उसको सफाई किया गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं, फिर से यूज में ले सकते हो उस ईंट को जो ईंट आप दीवार में से तोड़ कर निकाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और